हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम मई 2016 का फार्मास्यूटिक्स सेक्शंस। यस, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72 है, अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस के हिसाब से बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 72 है। तो 72 जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक न्यूमेरिकल है। यहां पर बड़ा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, तो हमें इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, समझते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। मीन्स यहां पर दो अलग अलग स्ट्रेंथ के आपको एल्कोहल दिए गए, एक 95% स्ट्रेंथ का एल्कोहल है, एक 45% का स्ट्रेंथ का एल्कोहल है। इनकी क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम पूछा गया है, और इसको इन दोनों को मिला देने से 800 ml वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा 65% वॉल्यूम वाई वॉल्यूम एल्कोहल वाला, वी वाई वी एल्कोहल वाला 65% 800 ml एल्कोहल प्रोड्यूस होगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा 800 है तो 400 इसका मिला देते हैं, 400 इसका मिला देते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर देखिए, तीनों एल्कोहल्स की दो इनिशियल जो एल्कोहल्स हैं जिनको आपको मिलाना है, मिक्स करना है, और जो आपका फाइनल एल्कोहल है, उनकी तीनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो यहां पर स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोपोर्शन डिपेंड करता है, उसके लिए हमें एलिगेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका आएगा बी, 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45%। मतलब 95% एल्कोहल है, उसका 320 ml आपको रिक्वायर्ड होगा, और 45% एल्कोहल का आपको 480 ml रिक्वायर्ड होगा। चलिए आप इसको एलिगेशन मेथड से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिगेशन मेथड किस तरीके से, हम मॉडिफाइड एलिगेशन बोला जाता है बेसिकली इसको, किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। देखिए चलते हैं यहां पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले हम जो क्वांटिटी दी गई है वो आपको लिखना है। आपके पास देखिए तीन टाइप की स्ट्रेंथ दी गई है। यहां पर देखें कि ये आपकी रिएक्टेंट एल्कोहल है, मतलब इनको आपको मिक्स करना है, और ये फाइनल कंसेंट्रेशन है आपका कितना, 65%। तो हायर कंसेंट्रेशन कितना है आपका, सबसे पहले डिसाइड करना है। 95% और 45% में से अगर देखें तो हायर कंसेंट्रेशन जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 95%। कितना, 95%। और लोअर कंसेंट्रेशन जो है हमारे पास वो है आपका 45% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 95% हायर कंसेंट्रेशन और 45% लोअर कंसेंट्रेशन और 65% रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन। 65% का कितना हमें प्रोड्यूस करना, 800 ml। हमें इनका वॉल्यूम मेजर करना, V1 और V2 को मेजर करके हमें V फाइनल तो हमारे पास दिया गया है, V फाइनल कितना, 800 ml है। तो यदि आप V1 का कंसंट्रेशन भी निकाल लें तो आप आसानी से V फाइनल में से V1 को माइनस कर देंगे तो V2 निकल आएगा, या V2 का कंसंट्रेशन निकाल दीजिएगा तो V फाइनल में से आप V1 को माइनस कर देंगे, V2 को माइनस कर देंगे तो V1 निकल आएगा। लेकिन चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे कैसे जो उसका प्रोसीजर है, जो उसको प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पर एक जो बॉक्स बॉक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपकी प्रोटोकॉल है, ये जिसको हम मॉडिफाइड एलिगेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेंटर में आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है हमारे पास, 65%, इसको लिखेंगे। यस, अब उसके बाद हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन इस तरफ लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, हायर कंसंट्रेशन। यस, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपका वीकर परसेंटेज लिखा जाएगा। इधर भी लिख सकते हैं हम लोग वीकर परसेंटेज, लेकिन इधर लिखेंगे थोड़ा सा सवलित रहेगी। तो वीकर परसेंटेज कितना है, 45%। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको लिखना है रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आपका कितना है, 65%, उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, वीकर कंसंट्रेशन कितना, 45%। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखेंगे कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, यहां पर उल्टा हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज को हम माइनस करेंगे किससे, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज में। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा में से कम हमेशा माइनस होता है, तो 95% में से हम माइनस किसको करेंगे, आपको देखेंगे आप इसमें देखेंगे 65% को। यस, तो यहां पर 65 में से 45 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ये आ गया आपका स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ, ये आपकी वीकर स्ट्रेंथ, ये आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, और अकॉर्डिंग टू दिस कह सकते हैं इक्वेशन, कह सकते हैं डायग्राम, कह सकते हैं इसके हिसाब से जो वैल्यू निकल के आएगी इस तरफ, अगर देखें 95% अल्कोहल की तरफ अगर जो वैल्यू निकल के आएगी वो 20, और आपकी जो इस तरफ जो आपका वीक स्ट्रेंथ वाला उसके नीचे जो
कंसंट्रेशन निकल के आएगा वो 30 निकल के आएगा। ये कंसंट्रेशन अभी इंपॉर्टेंट है, 20 और 30 कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब टोटल पार्ट्स, ये पार्ट्स निकालेगा, पार्ट्स को बताएगा, तो 95% अल्कोहल के 20 पार्ट्स और 45% अल्कोहल के 30 पार्ट्स रिक्वायर्ड है। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 20 + 30 = 50 पार्ट्स। यस, टोटल कितने पार्ट्स, 50 पार्ट्स। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, अब हमारा काम थोड़ा सा आसान है, इसको आगे लेकर चलते हैं, यहां पर बात करते हैं। यस, तो यहां पर देखेंगे जो आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट था, उसके कितने पार्ट्स थे, 20 पार्ट्स, और जो वीकर या कह सकते हैं कि लोअर स्ट्रेंथ वाला था उसका कितने पार्ट्स निकल के आए थे हमारे पास, 30 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने निकल के आए हमारे पास, टोटल पार्ट्स थे 50 पार्ट्स। तो 20 अपॉन 20 + 30 = 50, और टोटल वॉल्यूम कितना, 800 ml प्रोड्यूस हो रहा था। टोटल वॉल्यूम कितना, 800 ml प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर देखें तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्वांटिटी जो हमारे पास निकल के आएगी वो देखेंगे कितना, 320 ml। 320 ml किसका, 320 ml 95% वाले एल्कोहल का। तो आप 800 में से 320 माइनस कर दीजिए, अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना है, माइनस 320 कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 480 निकल कर आएगी। अगर नहीं भी करना तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 30 पार्ट्स किसके, जो लोअर स्ट्रेंथ वाले एल्कोहल के 30 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स 50, 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 800, 800 को क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगा 800 ml क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। तो आप फाइनल वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको फाइनल वॉल्यूम को आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे ये वाला सेक्शन हो 95% एल्कोहल वाला सेक्शन हो या फिर आपका कौन सा 45% वाला सेक्शन हो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 30 अपॉन 50 अपॉन मल्टीप्लाई 800, तो ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 160 और 163 जा 480। यस, 480 ml। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो परसेंटेज दिए गए रहते हैं उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और रिक्वायर्ड परसेंटेज और रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो दिया गया उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या था, सबसे पहले हमने पार्ट निकालने होते हैं, हायर कंसंट्रेशन वाले का पार्ट और लोअर कंसंट्रेशन वाले का पार्ट। तो याद रखना कि इस टाइप के सम्स जो होते हैं उसमें हायर कंसंट्रेशन वाले, जो हायर कंसंट्रेशन वाला एल्कोहल रहता है उसके कम पार्ट होते हैं और लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा उसका ज्यादा पार्ट होंगे, ऐसे ही अक्सर होता है, क्योंकि तभी तो जाके आपको रिक्वायर्ड जो कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑप्टेन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हायर परसेंटेज वाले के ज्यादा पार्ट और लोअर परसेंटेज वाले के कम पार्ट हो, ऐसा कतई नहीं होता। यहां पर इस क्वेश्चन को हम सही जा रहे हैं कि नहीं इसको देखने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज दोनों के बीच का है, दोनों के लगभग इंटरमीडिएट तो नहीं है, एग्जैक्ट बीच में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखें 45% से ज्यादा है और 95% से कम है, तो आपका जो हायर स्ट्रेंथ वाला होगा उसके कम पार्ट रिक्वायर्ड होंगे और लोअर स्ट्रेंथ वाला होगा उसके ज्यादा पार्ट रिक्वायर होंगे। जैसे कि हमने लोअर निकाला, केवल माइनस करना रहता आपको, रिक्वायर्ड परसेंटेज को से आपको लोअर परसेंटेज को माइनस करना है और हायर परसेंटेज में से आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस करना है। जब हायर परसेंटेज में से आप रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस करोगे तो आपको वीकर स्ट्रेंथ वाले एल्कोहल के पार्ट्स निकल के आएंगे, और जब आप हायर परसेंटेज जो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज में से माइनस करोगे लोअर परसेंटेज वाले को, तब लोअर हायर परसेंटेज वाले के पार्ट निकल के आएंगे। यस, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए यहां पर जो स्ट्रॉन्गर हायर परसेंटेज वाले के पार्ट निकालने के लिए आपने क्या किया कि रिक्वायर्ड परसेंटेज में से लोअर स्ट्रेंथ वीकर परसेंटेज को माइनस कर दिया, और वीकर परसेंटेज के पार्ट निकालने के लिए आपने क्या किया कि हायर कंसंट्रेशन या हायर परसेंटेज वाले जो एल्कोहल था उसमें से आपने रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस कर दिया। ये याद रखना, और ये बात भी याद रखना कि हमेशा और हमेशा क्या होगा, ज्यादा में से कम माइनस होगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कम में से ज्यादा को माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा से कम में होता है। तो ये चीज याद रखनी है हमें। तो
आपको इस तरीके से पार्ट्स निकालने हैं, पार्ट्स का समेशन करना है, और पर जो एल्कोहल के हिसाब से आपको पार्ट्स का फ्रैक्शन निकाल के आपको टोटल क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 320 ml और 480 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में देखा गया है, ना केवल इस एग्जाम में बल्कि और भी एग्जाम्स में देखा गया है। तो यहां पर चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, बात करते हैं। तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्या बोरेक्स कोल्ड क्रीम में एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है? अभी तक बोरेक्स को हमने एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो कहीं भी नहीं यूज किया है, चाहे वो कोल्ड क्रीम हो या फिर दूसरा फॉर्मुलेशन हो। टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन, ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, क्या बोरिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे पास केवल एक आंसर बचता है, इन सीटू इमल्सीफायर। इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि इन सीटू इमल्सीफायर का मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर हमारा, मैं आपको पहले ही से यहां पर अनाउंस कर देता हूं, करेक्ट आंसर क्या है, सी है। तो इन सीटू इमल्सीफायर क्या होता है? वह इमल्सीफायर होते हैं जो अप्लाई करने के बाद इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मुलेशन के समय इमल्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे स्किन पर, जैसे कोल्ड क्रीम को आप अप्लाई करोगे स्किन पर, तो बोरेक्स क्या करेगा, इमल्शन प्रोड्यूस करेगा एप्लीकेशन साइट पर रादर देन ड्यूरिंग दी फॉर्मुलेशन। तो कुर्मला के बाद है कि ऐसे इमल्सीफायर जो कि एप्लीकेशन के बाद इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम इन सीटू इमल्सीफायर के नाम से जानते हैं। चलिए आंसर तो देख लेते हैं, सी हो गया। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वही चीज है, द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज एक्ट एज इन सीटू इमल्सीफायर। इसका मतलब क्या है कि बोरेक्स जो होगा, जो कि कोल्ड क्रीम में अवेलेबल है, इमल्शन प्रोड्यूस करेगा साइट ऑफ एप्लीकेशन में, ना कि उसको पहले से हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद। तो यहां पर बोरेक्स किसके साथ इमल्शन प्रोड्यूस करता है? फैटी एसिड, ठीक है ना, फैटी एसिड जो बीज वैक्स में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे उनके साथ इमल्शन प्रोड्यूस करेगा कौन? बोरेक्स। इमल्शन के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर हम देखें तो वाटर, ऑयल एंड इमल्सीफायर। इमल्शन के लिए थ्री थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर, ऑयल एंड इमल्सीफायर। देखिए वाटर प्रिपरेशन में मौजूद रहता है, इमल्शन प्रिपरेशन है तो वाटर तो रहेगा ही, इमल्सीफायर के तौर पर बोरेक्स ले लिया। ऑयल क्या है यहां पर, ऑयल प्रोपोर्शन क्या है, फैटी एसिड इन बीज वैक्स, ये प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है बीज वैक्स का, जो फैटी एसिड प्रोपोर्शन है इसके साथ में बोरेक्स मिलकर इमल्शन प्रोड्यूस करेगा। कहां पर प्रोड्यूस करेगा? आपके एप्लीकेशन साइट पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यस, आगे बात करते हैं, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। यस, यहां पर हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आपका बल्किंग एजेंट है, फ्रीज ड्राइंग प्रोडक्ट में यूज होता है। आपने देखा होगा कि पेरेंटल प्रिपरेशंस रहती हैं, उनको क्या करते हैं हम कि उनको लाइफलाइजेशन करते हैं, फ्रीज ड्राइंग मेथड से उनका सॉल्वेंट रिमूव करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, लंबे समय तक हम उसको यूटिलाइज कर सके, रिकंस्टिट्यूट करके हम उसको यूज कर सके। जैसे आपकी लिक्विड प्रिपरेशंस होती है, अगर हम देखें पेरेंटल, जो आपकी लिक्विड पेरेंटल भी और भी हो सकती है, पेरेंटल के अलावा कुछ भी हो सकती है, पेरेंटल में हम ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन है, आपने क्या कर दिया, इस लिक्विड प्रिपरेशन का आपने लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग, दोनों एक ही नाम है, लाइफलाइजेशन कर दिया या फिर क्या कर दिया, फ्रीज ड्राइंग कर दिया। तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ये पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कहां पर, जब आपको जरूरत होगी तब इसमें आप वाटर ऐड करके इसको आप फिर से लिक्विड प्रिपरेशन में कन्वर्ट करके इसको यूटिलाइज कर लेते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप फ्रीज ड्राइंग मेथड में आप क्या करते हो, टेम्परेचर, आपकी प्रिपरेशन का टेम्परेचर बहुत ही लो लेवल पर लेकर जाते हो, नाम ही उसका फ्रीज ड्राइंग है, मतलब आपका एक तरीके से फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आप लेकर जाते हो। फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ले जाने से क्या होता है कि वाटर का जो पार्ट होता है प्रिपरेशन से रिमूव आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उसको लोअर टेम्परेचर पर लेकर जा रहे हो, तो उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है उस
उसका जो ड्रग पार्ट है, स्पेशली बात करें ड्रग पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐसा नहीं कि ड्रग केवल हायर टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय होती है, ड्रग कभी कभार लो टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, लो टेम्परेचर के ड्रास्टिक इफेक्ट से बचाने के लिए आप उसमें लायो प्रोटेक्टिव या क्रायो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस यूज करते हो। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैनिटोल, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी एचपीएमसी है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो रहा है, जैसे कि आपको पता भी होगा, मैनिटोल, मैनिटोल एज अ क्राय प्रोटेक्टिव या लायो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस की तरह यूज किया जाता है। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, आंसर तो बी हो गया, डिस्क्रिप्शन पर बात करते हैं। तो ये मैनिटोल मेनली बल्किंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, इसको फ्रीज ड्राइंग कंडीशन में लो डोज ड्रग प्रोडक्ट यदि होता है। तो यहां पर ये जो मैनिटोल है, ये शुगर एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ये पोरस एलिगेंट केक प्रोवाइड करता है। पोरस कैसा? पोरस एलिगेंट केक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आफ्टर लाइफलाइजेशन के, आफ्टर लाइफलाइजेशन। और जो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी प्रिपरेशन स्पेशली प्रोटीन प्रिपरेशन को अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके एग्रीगेशन और डीएग्रीगेशन को, डिग्रेडेशन, एग्रीगेशन और डिग्रेडेशन को फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग के दौरान क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो वह इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैनिटोल क्या कर सकता है, ये विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी, जब हम उसके रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी को प्रमोट करने का भी काम करता है, इसलिए हम मैनिटोल को यूटिलाइज करते हैं। यस, विच फिल्टर कैन बी यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच फिल्टर कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, विच फिलर, सॉरी, विच फिलर कैन बी, कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट। इसमें पूछा गया है, सबसे पहले हमें कीवर्ड की तरफ ध्यान देना है। फिलर कीवर्ड है, हमें फिलर के बारे में बात कर रहे हैं। किस प्रिपरेशन में? टैबलेट के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसी टैबलेट जिसमें अमाइन कंटेनिंग ड्रग होती है, अमाइन कंटेनिंग ड्रग के एग्जाम्पल अगर देखें तो आइसोनियाजाइड्स और बैक्लोफेन, क्या हो सकते हैं, आइसोनियाजाइड और बैक्लोफेन हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब अमाइन कंटेनिंग ड्रग आइसोनियाजाइड या बैक्लोफेन को हम किसी रिड्यूसिंग शुगर, कैसी, रिड्यूसिंग शुगर, यहां पर देखिए ड्रग का नाम नहीं दिया गया, ड्रग को पूछा गया अमाइन, खाली पूछा गया अमाइन कंटेनिंग ड्रग। तो हमें एग्जांपल पर याद फोकस करना है कि अमाइन कंटेनिंग ड्रग कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन यहां पर स्पेशली दो ड्रग का नाम आता है जब हम टेबलेट की बात करते हैं, दो ड्रग, एक आइसोनियाजाइड और बैक्लोफेन। तो ये किसी रिड्यूसिंग शुगर, किसी रिड्यूसिंग शुगर, जस्ट लाइक लैक्टोज के साथ हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो लैक्टोज के साथ ये पॉलीफर्फ्यूरिल, कैसा, पॉलीफर्फ्यूरिल नाम का कंपाउंड जनरेट करता है, जिसके कारण टैबलेट का जो कलर होता है वो एक तरीके से ब्राउन कलर या पेल ऑफ कलर, और कुल मिला के बोल सकते हैं डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? मेलार्ड रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेलार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को। तो मेलार्ड रिएक्शन एक इनकंपेटिबिलिटी रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें लैक्टोज को, अब मैं क्लियर आता हूं, जिसमें लैक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड या बैक्लोफेन के साथ अगर फॉर्मुलेट करोगे तो टैबलेट डिसकलर्ड, टैबलेट का डिसकलरेशन हो जाएगा, या टैबलेट येलोइश कलर की हो जाएगी, या टैबलेट ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, या टैबलेट पेल ऑफ कलर की हो जाएगी। तो कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट। तो देखिए, मैंने बातों ही बातों में आपको ऑप्शन में आंसर भी बता दिया है। तो डाइकैल्शियम फास्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च और लैक्टोज, आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास होने वाला है वो क्या होने वाला है? लैक्टोज। डी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टोज। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ फॉर्मुलेट नहीं करते। क्यों फॉर्मुलेट नहीं करते? क्योंकि ये क्या कर सकता है, आपका आपका आपके अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ एक रिएक्शन कॉज करता है, उस रिएक्शन को मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं, जिसके कारण डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट कॉज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर एक ड्रग, एक फिलर का नाम और दिया है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। डाई कैल्शियम फॉस्फेट को, ध्यान दीजिएगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट को हम टेट्रासाइक्लिन के साथ फॉर्मुलेट नहीं करते।
यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्सेशन होता है, किस किस के बीच, कैल्शियम सॉल्ट और टेट्रासाइक्लिन के बीच। ये कॉम्प्लेक्स वाटर इंसोल्युबल नेचर का होता है, जिसके कारण ये वाटर इंसोल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण टेट्रासाइक्लिन का अब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है और बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन को कभी भी आप डाइकैल्शियम फॉस्फेट के साथ फॉर्मुलेट नहीं करोगे, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैंने दो क्वेश्चन आपके कवर करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलार्ड रिएक्शन के नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं, लैक्टोज को किस ड्रग के साथ फॉर्मुलेट नहीं करते। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप अमाइन कंटेनिंग ड्रग को किस फिलर के साथ फॉर्मुलेट नहीं करते, जबकि उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आंसर है डी लैक्टोज, मिला डायरेक्शन काफी कुछ बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट 76 क्वेश्चन पर। द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम, चलिए हीलिंग एजेंट क्या होता है हैंड क्रीम में, तो यहां पर देखेंगे सॉफ्ट पैराफिन, ऑप्शन ए सॉफ्ट पैराफिन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी बीजवैक्स और ऑप्शन डी स्टराइल अल्कोहल। यदि हम बात करें यहां पर सॉफ्ट पैराफिन ये बेस होता है, बीजवैक्स भी बेस का काम करता है, स्टराइल अल्कोहल भी एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करने का काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करने का काम करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ऑप्शन निकल के आ रहा है बी, बी इज द यूरिया, यूरिया इज द करेक्ट आंसर। यूरिया आपका हीलिंग एजेंट का काम करता है। यहां पर बात करें यूरिया जो है हमारा हैंड क्रीम में स्पेशली, इसको थोड़ा सा और हम स्पेसिफाई जाएंगे किस टाइप की क्रीम में, हैंड क्रीम में स्पेशली हीलिंग एजेंट एजेंट का काम करता है। ये केराटोलाइटिक एजेंट होता है बेसिकली, अगर हम इस पर बात करें, इसके मोड ऑफ एक्शन पर बात करें तो कैसे काम करता है, ये केराटोलाइटिक एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है केराटिन, कहां पर प्रेजेंट रहता है, स्किन की आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है, उसके ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है। केराटोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, वह सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटीन को, जो आपके स्किन प्रोटीन है उसको रिमूव करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये डेड स्किन, रिड्यूस द डेड स्किन बिल्डअप, ये डेड स्किन के बढ़ावे को, बिल्डअप को रोकते हैं, मतलब स्किन के ऊपर जो डेड स्किन रहती है, मतलब जो आपकी लाइव स्किन के ऊपर डेड स्किन रहती है उसके उसके बिल्डअप को रोकते हैं, उसका रिमूवल को आसान करते हैं। ये यूरिया मॉइस्चराइजिंग, स्किन की मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, ठीक है ना, मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। इसलिए इसको हम कई कारणों से केराटोलाइटिक एजेंट या मॉइस्चराइजिंग एजेंट के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हीलिंग एजेंट के तौर पर जानते हैं। यहां पर अगर क्रीम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट कैसा काम करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरीन सॉर्बिटोल ह्यूमेक्टेंट का काम करते हैं। इसके अलावा अगर देखें नेचुरल गम्स सच एज एकेशिया ट्रैक एंड अदर सिंथेटिक गम्स जैसे सीएमसी पॉलीविन कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये फिल्म प्रोड्यूस करती हैं, जो क्रीम को अप्लाई करते हैं उसके बाद फिल्म प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इमोलिएंट का काम आपका मिनरल ऑयल वैक्सेस नैनोलिन फैटी एसिड फैटी अल्कोहल फैटी एसिड एस्टर करते हैं। यूरिया यूरिक एसिड और एलाल्डोल हीलिंग एजेंट का काम करते हैं, ये स्किन की पोरोसिटी को भी इंप्रूव करते हैं। फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ये आपके स्केलिंग ऑफ स्किन सरफेस, जो आपकी स्किन सरफेस की स्केलिंग है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा पैराबेंस और कुछ पैराहाइड्रोक्सीबेंजोएट जैसे ब्यूटाइल पैराहाइड्रोक्सीबेंजोएट जैसे सब्सटेंसेस प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर इतना तो हमें समझ में आया कि जो आपका यूरिया होता है हीलिंग एजेंट होता है, केराटोलाइटिक एजेंट होता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। यस, इसलिए हम इसको कहीं जैसे आपका ड्राइनेस की कंडीशन में या वेरियस कंडीशन जैसे कौन कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्राइनेस के लिए, एचिंग के लिए, एक्जिमा के लिए, सोराइसिस के लिए और फंगल इन्फेक्शन में भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी एम्प्यूर, ऑप्शन सी हार्डनेस ऑफ टैबलेट, ऑप्शन डी जिलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ होता क्या है बेसिकली, ब्लूम स्ट्रेंथ एक इंडेक्स होता है, किसको बताता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल या क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ किस से रिलेटेड है, ब्लूम स्ट्रेंथ आपका जिलेटिन से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो कितना कोहेसिव स्ट्रेंथ है जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच, जिलेटिन जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिलेटिन जो प्रोटीन्स होता है आपका अमाइनो एसिड से बनता है और अमाइनो एसिड्स के बीच में
कैसी बॉन्डिंग है, कैसी कोहेसिव स्ट्रेंथ है, उनके बीच कैसी क्रॉस लिंकिंग है, और तो और जिलेटिन कितना रिजिड है। तो रिजिडिटी को बताने के लिए कोहेसिव क्रॉस लिंक, कोहेसिव स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, क्रॉस लिंकिंग को बताने के लिए एक इंडेक्स डिसाइड किया गया है जिलेटिन के लिए। उस इंडेक्स को हम बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ कम है मतलब जिलेटिन आपका हार्ड है, जिलेटिन मतलब सॉफ्ट है, ब्लूम स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब जिलेटिन आपका हार्ड है, याद रखना। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल के लिए आप हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हो, और सॉफ्ट जिलेटिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए हार्ड जिलेटिन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल को बनाने के लिए हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूटिलाइज करोगे, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए आप लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूटिलाइज करोगे। तो जिलेटिन की क्रॉस लिंकिंग, और कोहेसिव स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को कह सकते हैं मेजर करने के लिए जो इंडेक्स दिया गया उसका नाम होता है ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ आपके जिलेटिन के मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मॉलिकुलर वेट जिलेटिन का जितना जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा आपके ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो कह सकते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को सेल को बनाने के लिए हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन आप यूज करते हो, मतलब हाई मॉलिकुलर वेट वाला जिलेटिन यूज करते हो। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए आप लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हो, मतलब इसका मतलब है लो मॉलिकुलर वेट वाला जिलेटिन आप यूटिलाइज करते हो। यस, तो करेक्ट आंसर है डी जिलेटिन। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर द नेगेटिवली चार्ज ड्रग। नेगेटिव चार्ज अगर ड्रग है तो उसके फ्लॉकुलेशन के लिए हम कौन सा फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा फ्लॉकुलेशन के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो सस्पेंशन होते हैं दो तरह के होते हैं, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनका सेटलमेंट भी इंडिविजुअली होता है, लेकिन सेटलमेंट के बाद हार्ट केक की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट केक। लेकिन यदि आपने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए, पार्टिकल के ग्रुप्स बना दिए, एक लूज ओपन एग्रीगेटेड सिस्टम बना दिया, तो हार्ट केक बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। इस लूज ओपन एग्रीगेटेड सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। यहां पर थ्री टाइप्स के फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, एक होता है सर्फेक्टेंट, एक होता है पॉलीमर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या कौन सा सब्सटेंसेस आपको यूज करना है। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ड्रग का चार्ज कैसा है, ड्रग का कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज वाला फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे बेंटोनाइट, ट्राइकेंथ और सोडियम फॉस्फेट, ये तीनों के तीनों फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ही नहीं होते। इसमें से केवल एक आंसर बचता है एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसमें जो कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, Al3+ आयन प्रोड्यूस होंगे, जो कि क्या करेगा आपके पार्टिकल पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका फ्लॉकुलेशन प्रमोट होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर ए, ए इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम क्लोराइड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक एसिड कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड किस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से चले, हम ऑप्शन को रीड करते हैं पहले, डेप्लीटरी प्रिपरेशन, एपिलेटरी प्रिपरेशन, वैनिशिंग क्रीम और स्किन टैन प्रिपरेशन। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि थायोग्लाइकोल एसिड टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो हेयर प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है, हेयर प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा हम नजदीक आ गए, तो वैनिशिंग क्रीम और आपके स्किन टैन प्रिपरेशन, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हेयर प्रिपरेशन नहीं है, वैनिशिंग क्रीम और स्किन टैन प्रिपरेशन स्किन प्रिपरेशन है। तो यहां पर दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, डेप्लीटरी और एप्लीटरी। अब ये दोनों की दोनों प्रिपरेशन जो होती है आपकी हेयर रिमूवर प्रिपरेशन होती है, कैसी होती है, हेयर रिमूवर प्रिपरेशन, हेयर को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं, अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए आप इनको यूज करते हो। और यहां पर हेयर को रिमूव करने के लिए आप में बेसिकली अगर सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम डेप्लीटरी को यूज करते हैं। डेप्लीटरी
में ही थायोग्लाइकोलिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, डब्लिटरी। चलिए इसका मोड ऑफ एक्शन जान लेते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जो जो आपके थायोग्लाइकोलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके आपके हेयर फॉलिकल जो आपके जो हेयर्स रहता है उसमें क्रिएटिन प्रोटीन रहता है, और क्रिएटिन प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्रिएटिन इज द प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर, तो उसका डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा अमीनो एसिड्स के बीच में, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और साथ ही साथ उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसको हाइड्रोलाइज भी करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हेयर का रिमूवल बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम डेप्लीटरीज। डेप्लीटरीज में क्या होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड और उसके सॉल्ट। यस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, काउल्टर काउंटर मेथड यूज टू फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, काउल्टर काउंटर मेथड होती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं बताऊंगा किसके लिए यूज होती है, आपने आंसर करना है किसके लिए यूज होती है। तो यहां पर फर्स्ट जो फर्स्ट में दिया हुआ पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया, दूसरा पार्टिकल साइज, तीसरा पार्टिकल वॉल्यूम। ऑप्शन देखेंगे ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो यहां पर चलते हम देखते हैं कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए पार्टिकल सरफेस एरिया तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पार्टिकल सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए हम एयर परमिबिलिटी मेथड और गैस एडजप्शन मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा पार्टिकल साइज और पार्टिकल वॉल्यूम, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूटिलाइज करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन मेथड या एंडरसन पिपेट मेथड, सीविंग मेथड और काउल्टर काउंटर मेथड। बट काउल्टर काउंटर मेथड इज द इनडायरेक्ट मेथड। काउल्टर काउंटर मेथड से हम पार्टिकल का वॉल्यूम मेजर करते हैं, साइज उसका नहीं डायरेक्टली मेजर किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम को हम रेडियस में कन्वर्ट करके हम उसका साइज निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर डायरेक्टली देखें तो इनडायरेक्टली देखें तो पार्टिकल साइज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड और थर्ड होता, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि काउंटर काउंटर मेथड बेसिकली होती है किसके लिए यूटिलाइजेशन करने के लिए, किसको डिटरमाइन करने के लिए, पार्टिकल वॉल्यूम के लिए। डायरेक्ट मेथड किसके लिए, डायरेक्ट मेथड है, किसके लिए डायरेक्ट मेथड है, पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है। पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमारे पास यदि ऑप्शन में सेकंड और थर्ड होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन में दिया है ओनली वन, ऑप्शन बी में दिया ओनली टू, ये भी नहीं हो सकता। अब सी में अगर हम देखें तो ओनली थ्री, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहां पर एकदम करेक्ट अगर जाएंगे तो पार्टिकल वॉल्यूम एकदम से करेक्ट होगा, राइट क्या होगा एकदम से पार्टिकल वॉल्यूम। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड और थर्ड होते तब भी चलता, लेकिन पार्टिकल सरफेस एरिया कैसे मेजर करोगे। पार्टिकल सरफेस एरिया जो होता है आपका, आपका पार्टिकल साइज से या पार्टिकल वॉल्यूम से आप मेजर नहीं कर सकते, ये सरफेस, पार्टिकल सरफेस एरिया नॉट द एरिया, पार्टिकल सरफेस एरिया, एरिया नहीं है, पार्टिकल सरफेस एरिया है। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर कोई भी ऑप्शन अगर देखें एकदम से परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम एकदम से अगर क्लोज जाएंगे तो आएगा आंसर ऑप्शन सी, ओनली थर्ड। यस, ओनली थर्ड मतलब पार्टिकल वॉल्यूम को मेजर करने की मेथड होती है काउल्टर काउंटर मेथड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय, क्वेश्चन आया है लेकिन क्वेश्चन अच्छी तरह से फ्रेम नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, नॉन लीनियर काइनेटिक। अगर मैं कहूं इसके हिसाब से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, अगर मैं कहूं इसके हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, क्योंकि सस्पेंशन और सेमी सॉलिड का जो डिग्रेडेशन होता है वो सीडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। कैसा होता है, सीडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होता है। सूडो जीरो ऑर्डर या अपरेंट जीरो ऑर्डर क्या होती है, इसको समझते हैं कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करती हैं, तो उनको बोलते हैं सीडो ऑर्डर। वास्तविकता में ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, जीरो ऑर्डर नहीं होती, लेकिन बिहेव लाइक जीरो ऑर्डर। वास्तविकता में होती फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन बिहेव लाइक जीरो ऑर्डर, तो यहां पर तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन यदि मैं
थोड़ा सा बात करूं कि मूल पर बात करूं, रूट पर बात करूं, एग्जैक्ट बात करूं कि किस टाइप की रिएक्शंस अगर हो सकती हैं, पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, तो पॉसिबल आंसर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो आपकी सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन होती है, वास्तविकता में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है जो कि जीरो ऑर्डर जैसी बन जाती है, होती फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन जीरो ऑर्डर जैसी बन जाती है, इसलिए इनको सूडो जीरो जीरो ऑर्डर बिल्कुल नहीं बोल सकते, जीरो ऑर्डर का क्राइटेरिया ही अलग होता है, जीरो ऑर्डर का क्राइटेरिया ही कुछ अलग होता है, यहां पर होती है फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन जीरो ऑर्डर के जैसे बिहेव कर रही है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑप्शन के हिसाब से अगर फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सस्पेंशन और सेमीसोलिड का डिग्रेडेशन होता है वो सूडो जीरो ऑर्डर होता है, करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर है नहीं हमारे पास ऑप्शन में, इसलिए हम करेक्ट आंसर किसको मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को मानेंगे, किसको मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए आगे बात करते हैं, इन नेल पॉलिश का क्वेश्चन है, एक और कॉस्मेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इस एग्जाम में भर भर के कॉस्मेटिक्स से क्वेश्चन आए थे, तो दोस्तों हमें कॉस्मेटिक्स चैप्टर भी बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ईएसआईसी एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हो। यहां पर एक ऑप्शन आप देखोगे, यहां पर ऑप्शन देखते हैं पहले, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीलैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल, मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट फैलेट। यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि पॉलीलैक्टिक एसिड को उन्होंने अलग कर दिया, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल, मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट फैलेट और नाइट्रोसेलुलोज, तो यहां पर तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन था, इसको तो क्रॉस कर ही दिया, ये फिल्म फॉर्मर नहीं होता, ये फिल्म फॉर्मर होते हैं तीनों के तीनों, लेकिन ये फिल्म फॉर्मर जो एचपीएमसी और कैप, ये एचपीएमसी हो गया आपका, एचपीएमसी और जो कैप है आपके, वो कहां पर फिल्म फॉर्मर का काम करते हैं, टैबलेट में करते हैं। यहां पर किसमें पूछा है, नेल पॉलिश के लिए, तो नेल पॉलिश के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भी फिल्म फॉर्मर जो होता है वो नाइट्रोसेलुलोज होता है, नाइट्रोसेलुलोज ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, और नाइट्रोसेलुलोज ही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फिल्म फॉर्मर होता है, किसमें, नेल पॉलिशेस में। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नाइट्रोसेलुलोज, मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट पॉपुलरली यूज, कौन सा, नाइट्रोसेलुलोज। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज ऑफ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एनडीडीएस से क्वेश्चन आया, तो दोस्तों एनडीडीएस भी हमें पढ़ना जरूरी है, देखिए सारी चीजें हमें पढ़ना जरूरी है, और आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है कि जीडीसी लॉन्च कर रहा है अपना कोर्स ईएसआईसी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, ईएसआईसी एग्जाम के लिए बड़ा धमाकेदार कोर्स होने वाला है, धमाकेदार क्रैश कोर्स होने वाला है, तो इसमें सारी आपको कंप्लीट कंपाइल स्टडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर टॉपिक का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चंस और आंसर की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, साथ ही साथ आपको आपको डिटेल में सारी चीजें, सारे कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट का जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का डिटेल आपको लर्निंग कराई जाएगी, तो देर मत कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो फटाफट हमारी जीडीसी ऐप पर जाकर जल्दी से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि कोर्स की प्राइस अभी बहुत कम है, अगर रश हो जाएगा तो कोर्स की प्राइस भी हाइक हो सकती है, इसलिए चूकिए मत, सोचिए मत, जाकर परचेस कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, प्राइस चेंज होते रहते हैं, अभी लोएस्ट प्राइस पर है, ऑफर चल रहा है, आप परचेस कर डालिए, सोचिए मत। चलिए तो क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डेफिनेशन से उठाया गया है, हम इसमें कीवर्ड्स को छांटते हैं, कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सबसे पहला एनडीडीएस है, तो यहां पर प्रोड्रग एनडीडीएस नहीं होता, मैं आपको बता दूं, प्रोड्रग एक तरीके से एनडीडीएस में इसको कंसिडर नहीं करते। अब आगे चलते हैं, कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो आपका जो ऑस्मोटिक पंप होता है वो फॉस्फोलिपिड से नहीं बना होता, ठीक है, ये तो दो ऑप्शन तो हो गए आपके, बाहर हो गए, दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म अ मल्टी लेमिलर कंसेंट्रिक बाइलेयर स्ट्रक्चर, इस तरीके का बाइलेयर स्ट्रक्चर, कंसेंट्रिक बाइलेयर स्ट्रक्चर, वेसाइकल, ठीक है ना, जिसके कोर रीजन में क्या है, एक्वस मीडिया फिल है, और लेयर किसकी है, लिपिड की, तो वेसिकुलर सिस्टम के बारे में बात करें, तो अगर वेसिकुलर सिस्टम है तो ऑप्शन के हिसाब से लिपोसोम और नैनो पार्टिकल में अगर सिलेक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा, लिपोसोम। वैसे भी यहां पर आंसर ऑप्शन से क्लियर हो गया, आपको क्वेश्चन में ही क्लियर होगा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई बॉडी, लिपिड, लिपिड, लिपोसोम ही क्या होता है, लिपिड बॉडी,
लिपोसोम का अगर देखें उसका करेक्ट जो मीनिंग देखें, लिपिड से बनी हुई बॉडी, सोम मतलब होता है बॉडी, लिपोसोम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी लिपोसोम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन से लिया गया है तो हमें याद रखना इस चीज को। चलिए तो करेक्ट आंसर बी लिपोसोम। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक सेंट्रल कोर रहता है जो एक्वस मीडिया से फिल रहता है। दोनों दोनों टाइप की ड्रग आप इसमें फॉर्मुलेट कर सकते हो, आपकी लिपिड सोल्युबल ड्रग को आप यहां पर इनकैप्सुलेट करा सकते हो लिपिड बाइलेयर में, और आपकी वाटर सोल्युबल ड्रग को आप एक्वस कोर में आप फॉर्मुलेट करा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट। रिटार्डेंट मटेरियल क्या होते हैं वो समझने वाली बात है, कि ऐसे मटेरियल जो कि ड्रग रिलीज को स्लो कर देते हैं, ड्रग रिलीज को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, स्लो कर लेते हैं या सस्टेंड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेंट। तो यहां पर रिटार्डेंट पूछा गया है, तो अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से, यहां पर पॉलीथाइलिन सॉल्युबिलिटी को प्रमोट करता है, कार्बोवैक्स हाइड्रोफोबिक होता है, ये मतलब नहीं, कैप आपका एंटरिक पॉलीमर होता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन बचता है, यहां पर ए ऑप्शन बचता है, एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ये आपका रिटार्डेंट मटेरियल होता है जो कि मैट्रिक्स टैबलेट में यूटिलाइज किया जाता है। करेक्ट आंसर ए है। चलिए देखते हैं, तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जो सेलुलोज का डेरिवेटिव होता है तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट को में यूटिलाइज करते हैं, और ये स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है, ये स्वेल होने के बाद जेल जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जेल लेयर प्रोड्यूस करता है अराउंड द टैबलेट, ये स्वेल होने के बाद एक जेल लेयर प्रोड्यूस करता है अराउंड द टैबलेट जो कि ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको एज अ रिटार्डेंट आप यूज करते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडेसिव। सबसे पहले समझते हैं कि पेनिट्रेशन एनहांसर क्या होते हैं। जो आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होता है, यदि हम बात करें या परकुटानियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, तो वहां पर ड्रग को आपको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि यदि हम बात करें नॉर्मली अगर हम देखें स्किन रूट से अगर ड्रग का अब्जॉर्प्शन लेना है, ट्रांसडर्मल रूट से ड्रग का अब्जॉर्प्शन लेना है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत कम क्वांटिटी में ड्रग आपकी अब्जॉर्ब होती है, ना के बराबर ड्रग अब्जॉर्ब होती है अगर नॉर्मल वे में बात करें तो। लेकिन इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, इस चैलेंज को कह सकते हैं कि पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं हमारी प्रिपरेशन में जो कि क्या करेंगे, आपके आपके पेनिट्रेशन को प्रमोट करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो स्किन बैरियर है उसको बाईपास करेंगे, स्किन बैरियर को कमजोर करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस पेनिट्रेशन एनहांसर और या परमिशन एनहांसर के नाम से जानते हैं। इनमें यदि बात करें तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स के तौर पर अगर देखूं तो आपका मेनली आपका डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फोरामाइड और आपका एल्कोहल्स, और एल्कोहल्स में एथेनॉल, और स्पेशली कुछ सर्फेक्टेंट कौन से, यहां पर तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पूछे क्वेश्चन में, तो बात ही खत्म हो जाती है। यहां पर मैंने इतना बताया उसकी जरूरत ही नहीं थी बताने की, तो डिटेल यहां पर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट अगर देखे, सर्फेक्टेंट एक ही है, कौन सा, ऑलिक एसिड जो कि नॉन आयनिक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अनलेस अदरवाइज, देखिए ये क्वेश्चन पेपर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिपीट हुए हैं, मतलब दूसरे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं, और शायद मुझे लगता है कि गेट और जीपेट के जो मैंने देखा एनालाइज किया तो मैंने पाया भी, ये जो क्वेश्चन जो आपके जो चल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन तो आपका जीपेट एग्जाम गेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एज इट इज बिना लैंग्वेज बदले सीधा सीधा पूछा गया। तो दोस्तों हमें ईएसआईसी की प्रैक्टिस के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स दूसरे एग्जाम जैसे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम फार्मासिस्ट के तो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम जीपेट गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ नाइपर के भी नाइपर जेई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको उससे बेहतर जगह जीडीसी से बेहतर जगह नहीं हो सकती, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपको पता है, इससे बेहतर जगह आपके लिए कहीं नहीं हो सकती। इन सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन के दौरान जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो प्रिपरेशन आपका जब पढ़ेंगे आप कोर्स को पढ़ेंगे तो उस दौरान बीच बीच में इन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो आप एग्जाम देंगे तो इस
हमारे जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस हैं, हमारे द्वारा जो आपको कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है। चलिए, तो कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड होने वाला है ESIC क्रैश कोर्स में। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टैबलेट से लिया गया, फार्माकोपिया से लिया गया, एज इट इज क्वेश्चन बिना लैंग्वेज बदले, ये जीपैड में पूछा गया था, बिना लैंग्वेज बदले आपको प्रेजेंट कर दिया। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। देखिए, मैं आपको फिर भी ध्यान दिला दूं, ये ESIC का पेपर है, मैं आपको जो सॉल्व करा रहा हूं ESIC का पेपर है, और ये क्वेश्चन आपके दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर द एंटेरिक कोटेड टैबलेट फर्स्ट द डिसोल्यूशन इज कैरीड आउट इन। ये आपका डिसोल्यूशन टेस्ट से रिलेटेड है, किससे? आपका डिसोल्यूशन टेस्ट से। यस, किससे रिलेटेड है? आपका डिसोल्यूशन टेस्ट से, सॉरी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से, माफी चाहूंगा, किससे रिलेटेड है? आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से, नॉट डिसोल्यूशन। वो दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं ना, तो कभी कभार डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन को एक ही मान लेते हैं, तो ना वो डिफरेंस होता है, मैं डिफरेंस बता देता हूं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ टैबलेट फ्रॉम द पार्टिकल इन टू द सोल्यूशन, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन में सोलबलाइजेशन होता है ड्रग का, और डिसइंटीग्रेशन में ब्रेक डाउन होता है टैबलेट का। तो ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट लगाते हैं, ये आपका ऑफिशियल टेस्ट है। यहां पर पूछा गया एंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जितनी भी टैबलेट हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो सिंपल कंप्रेस टैबलेट हो, या शुगर कोटेड टैबलेट हो, या फिल्म कोटेड टैबलेट हो, या फिर रिफर्पेंट टैबलेट हो, चाहे वो डिस्पर्सिबल टैबलेट हो या वेजाइनल टैबलेट होते, सबसे ज्यादा अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो किसका होता है? आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट का। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एंटेरिक कोटेड टैबलेट को हम 0.1 नॉर्मल HCl में प्लेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू IP 120 मिनट, और अकॉर्डिंग टू ESP 60 मिनट्स। और जब आपकी टैबलेट इन मीडिया में 0.1 नॉर्मल HCl में अगर आपकी टैबलेट इंटैक्ट बनी रहे, अकॉर्डिंग टू IP 120 मिनट और अकॉर्डिंग टू ESP 60 मिनट, इसको ले जाकर हम रख देंगे किसमें? फॉस्फेट बफर में। अकॉर्डिंग टू IP 60 मिनट में इसको डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू ESP इसको 120 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाने चाहिए, किसमें? फॉस्फेट बफर में। तो प्राइमरली क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरली इसको किसमें प्लेस करते हो, तो प्राइमरली आप इसको 0.1 नॉर्मल HCl में आप इसको प्लेस्ड करते हो, कितने? 0.1 नॉर्मल HCl में, और इसके बाद फॉस्फेट बफर में रखोगे। वाटर वाटर आपका जो मीडियम होता है आपके डिस्पर्सिबल और इफर्फिसेंट टैबलेट के लिए यूज करते हैं, 0.1 मोलर H2SO4 कहीं यूज नहीं किया जाता। तो हमारे पास देखिए आंसर जो निकल के आ रहा है, वो आंसर निकल के आ रहा है ए 0.1 नॉर्मल HCl। तो यहां पर डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स हैं, इनका डिफरेंट डिसइंटीग्रेशन टाइम है हमारे पास, जैसे डिस्पर्सिबल टैबलेट का 3 मिनट या उससे कम, इफर्विसेंट का 5 मिनट या उससे कम, अनकोटेड टैबलेट का 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू IP 30 मिनट, अकॉर्डिंग टू ESP फिल्म कोटेड का 30 मिनट, और शुगर कोटेड का 60 मिनट, वेजाइनल टैबलेट का 30 मिनट, एंटेरिक कोटेड का 180 मिनट्स। कितना? 180 मिनट, 60 प्लस 120। ओके, चलिए दोस्तों, ये आपके फार्मास्यूटिक्स के जो सेक्शन है आपका ESIC 2016 पेपर का, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट के डिस्कशन के लिए दूसरे टीचर्स के पास चलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चलिए तो अभी देखते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या है आपसे पूछा गया, इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल्स नीड टू बी डेरिवेटाइज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर। जो आपका गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इस गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कुछ सैंपल्स जो होते हैं उनको डेरिवेटाइज किया जाता है। जो डेरिवेटाइजेशन होता है ये आप किस लिए करते हैं, उनको क्या इंक्रीज करने के लिए आप कर रहे होते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में? वोलेटिलिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कर रहे होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, या फिर पोलराइजेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो आप किसका इंक्रीज कर रहे होते हैं? सो अगर आप बात करते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो यहाँ आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे वोलेटिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वोलेटिलिटी डिफरेंसेस पर आप यहाँ पे इनका कर रहे होते हैं एनालिसिस। सो आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वोलेटिलिटी हो जाएगा।
द डेरिवेटाइजेशन इज टिपिकली डन टू चेंज द एनालाइट प्रॉपर्टीज फॉर अ बेटर सेपरेशन एंड ऑल्सो फॉर इनहेंसिंग द मेथड सेंसिटिविटी. डेरिवेटाइजेशन इज जनरली नेसेसरी इन द एनालिसिस ऑफ जीसी कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट लो वोलेटिलिटी, हैव पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, कंटेन एक्टिव ग्रुप दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ सैंपल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एड्सॉर्प्शन ऑन देयर इनलेट और कॉलम और डिमॉन्स्ट्रेट पुअर सेंसिटिविटी एट द डिटेक्टर. फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जो कॉमनली आपका डेरिवेटाइज्ड होते हैं, उनमें आपके आएंगे लाइक अल्कोहल्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, एमीन्स होंगे या फिर सल्फाहाइड्रल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था. आर्टिमिसिन आपका कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर. जो आर्टिमिसिन होते हैं वहां पे आपका कौन सा इनमें से ग्रुप होता है जो कि उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. आपका ऑप्शन है देखो, एंडो परऑक्साइड होता है, आपका एक एक्सो परऑक्साइड होता है यहाँ पे, एन इपॉक्साइड आपका यहाँ पे पाया जाता है या फिर एन एसिड हाइड्राजाइड होता है. सो क्या होता है आपके आर्टिमिसिन्स में, तो आप अगर देखते हो तो यहां देखो एक जो ब्रिज होता है वो कंपोज्ड होता है एक एंडो परऑक्साइड ब्रिज का. क्या होता है यहाँ पे आपका, यहाँ आपको एक एंडो परऑक्साइड ब्रिज देखने को मिलता है, एंडो परऑक्साइड ब्रिज देखने को मिलता है, एंडो परऑक्साइड लिंकेज देखने को मिलता है. देखिए यहां पे क्या है आपका COO, फिर से आपका सी, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है आपका एक एंडो परऑक्साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना. ये आपका एक ही डायरेक्शन की तरफ आपके ओरिएंटेड होते हैं. सो ये जो आपका है ये आपको एक एंडो मीन्स एक ही तरफ आपको एंडो परऑक्साइड लिंकेज आपको देखने को मिल रहा होता है इंटरनली. सो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलाम. एल्प्राजोलाम का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है सिंथेसिस के दौरान आपका. ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 3-amino-5-bromoacetophenone, 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-bromoacetophenone या फिर 3-amino-5-chlorobenzophenone. तो देखो जो एल्प्राजोलाम, मतलब आप बात कर रहे हो बेंजोडाइजिपिन क्लास की ड्रग्स की, तो जो बेंजोडाइजिपिन क्लास की ड्रग है और फिर आप अगर एल्प्राजोलाम की बात कर रहे हो तो यहां आपका क्या होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है. यहां पे क्या होगा, क्लोरीन होगा. सो आपका जो ब्रोमो है ये तो पहले ही आप क्या करो, कट करो, ये आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते हैं. आइदर 5-chloro-5-chloro यहां है, अब बात करनी है 2-amino होता है या फिर 3-amino होता है. सो देखो जो आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि क्या होता है, यहां अगर हमने बोला सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ आपके पास में एक रिंग प्रेजेंट होती है, फेनाइल रिंग होती है, और इसके आपके सेकंड पोजीशन पर क्या होता है भाई, NH2 ग्रुप होता है. और आपका 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर आपका आएगा क्या, क्लोरो ग्रुप आ जाएगा. सो Cl जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर होता है और आपका सेकंड पोजीशन पर NH2 होता है. यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ एक सब्सटीट्यूशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एल्काइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन भी आपको आ जाता है, एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है. सो बेसिकली आपका यहां अगर आंसर की बात करते हो तो आपका होगा कि 2-amino होता है. सो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, नॉट 3-amino. 3-amino यहां पे नहीं होता है. सो 2-amino-5-chlorobenzophenone है, ये आपका रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ में, NH2 हाइड्रोजन के साथ में, P2S5 NH3 के प्रेजेंस में. तो आपका क्या होगा, बेंजोडाइजिपिन क्लास का आपका एक ड्रग आपको यहां पे देखने को मिल रहा होता है, बेंजोडाइजिपिन आपका यहां पे आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है. अ वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट इज. पीएच मेजरमेंट के लिए आप कौन सा इलेक्ट्रोड यहां पे यूज कर रहे होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होते हैं, प्लैटिनम वायर, ग्लास इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड या फिर लैंथनम फ्लोराइड. सो आपकी बात हो रही है पीएच मेजरमेंट को लेकर के. तो देखो यहां जो मॉडर्नली और सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सेप्टेड है दैट इज आपका पोटेंशियल के सेपरेशन पर, पोटेंशियल डिफरेंस के सेपरेशन पर आप यहां बात करते हैं. और ये आता है आपका किसमें, ग्लास इलेक्ट्रोड्स में आता है. ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें क्या होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है और इसके टर्मिनल्स पर एंड पर क्या होते हैं आपके, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको आप यहाँ पे उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसका पीएच को कैलकुलेट कर पाते हैं पोटेंशियल मेजर करके. सो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, ये आपका करेक्ट होता है, ठीक है ना. यहाँ पे आपका क्या है,
ये आपका परमिएबल जो आपके ये लास्ट में देख रहे हैं यहीं से ही आपका क्या होता है, आपको मेजर कर पाते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस को। नेक्स्ट क्या है, द एनालाइट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन इन फ्लेम फोटोमेट्री बिकॉज इट शुड अंडरगो। देखिए नेक्स्ट क्या है, एनालाइट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री की बात हो रही है। तो फ्लेम फोटोमेट्री में आपका जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं और आपका क्या होता है यहाँ पे, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, नेबुलाइजेशन होता है या फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है। सो देखो फ्लेम फोटोमेट्री की बात आ रही है, फ्लेम फोटोमेट्री में आप क्या करते हैं, आप लिक्विड जो भी है लिक्विड यूज करते हैं और ये जब इसका आप क्या कराते हैं, नेबुलाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, नेबुलाइजेशन कराते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं, इसके फाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में इसको आप ब्रेक करते हैं, बहुत ही थिन साइजेस में आप इसको ब्रेक करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कराते हैं, एक्चुअली नेबुलाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, नेबुलाइजेशन कराते हैं। सो ये आप देखो क्या हो रहा है, द नेबुलाइजर ब्रेकअप द सैंपल इंटू एटम्स, नेबुलाइजर रिफर्स टू एन ऑपरेटर्स दैट कन्वर्ट्स लिक्विड्स इंटू फाइन मिस्ट, फाइन मिस्ट में इसको क्या करता है ये ब्रेक कर देता है। व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन के लिए आप कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, NaNO2 plus HCl का यूज करते हैं, KNO3 plus dilute H2SO4 का यूज करते हैं, जिंक plus dilute H2SO4 का यूज करते हैं या फिर टिन H2SO4 का यूज कर रहे होते हैं। सो देखो डायजोटाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके एमीन्स होती हैं, जो आपका एमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इसमें क्या करते हैं हम, यहां जब आप रिएक्शन कराते हो इसकी NaNO2 या फिर कई बार HNO2 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों में से कुछ भी NaNO2 या फिर HNO2, इसके साथ में आप क्या करेंगे, अगर आप यहां पे लेना है एक आपको एसिड, आइदर वो आपका H2SO4 हो सकता है या फिर HCl हो सकता है, सो उसी का ही बेसिकली यहां पे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो यहां पे क्योंकि ऑप्शंस में आपको क्या था, एक ही जगह पर NaNO2 दिया हुआ है, तो ये तो सभी रॉन्ग हो गए, यहां डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है। सो आपको यहां पे लेना है एक एसिड, मैं सिर्फ एसिड लिख रहा हूं, जब ये होता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये आपको N से आपको लगेगा क्या, N2 plus Cl minus, यहां आपका क्या होगा NH N2 plus Cl minus, ये आपको यहां पे स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा इसके साथ आपको, क्योंकि आप अगर NaAl ये रहे होंगे, देखो इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स में अगर आपने इसको यूज किया तो NaCl बनेगा, ये अगर आपने यूज किया तो HCl बनेगा, और साथ ही साथ एसिड का यहाँ पे पार्ट जो, क्योंकि आपने एसिड लिया हुआ था, एसिड अगर HCl रहा होगा तब यहाँ पे Cl- बनेगा, अगर यहाँ आपने एसिड में H2SO4 लिए हुए होते तब आपका ये बनता क्या NH N2 plus HSO4- हो जाता, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द केस कि आपने क्या एसिड लिया उसी का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट उसी का ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसके साथ आपको वाटर, इतनी सी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सो NaNO2 HCl जो है ये आपका क्या कराता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराता है। सो ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कोडीन डिफर्स स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई, जो कोडीन है और मॉर्फिन है दो के दोनों ही क्या है आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होती हैं, तो ये आपके कैसे डिफर करते हैं, इसके बीच में डिफरेंस किस बात का होता है कोडीन और मॉर्फिन में। तो देखो कोडीन में आप क्या लिखते हैं सी ओ एम और यहां लिखते हैं एम ओ। देखो कोडीन के केस में क्या होता है आपका, ये दोनों स्ट्रक्चर 100% सेम है, नियरली सेम है, बस डिफरेंस जो है कि यहां जो आपका कोडीन है, कोडीन में आपका चेन जो है सब्स्टिट्यूटेड वहां लगता है OCH3 ग्रुप, दैट इज मेथॉक्सी ग्रुप आपको लगा हुआ होता है आपके स्टेरॉइड रिंग में, मेथॉक्सी रिंग होती है, मेथॉक्सी ग्रुप होता है और यहां पे क्या होता है, यहां आपका OH ग्रुप लगा हुआ होता है। सो आपका कोडीन में होता है क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप और कोडीन में होता है OCH3 ग्रुप, बस इतना सा डिफरेंस है। सो जो कोडीन है वो डिफर करता है मॉर्फिन से, मॉर्फिन से सिर्फ और सिर्फ आपका OCH3 ग्रुप से, OCH3 ग्रुप से, दैट इज डी ऑप्शन आपका क्या होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, OCH3 ग्रुप से ये डिफर करेगा। देखिए यहां पे क्या है, ये रहा कोडीन, ये रहा आपका मॉर्फिन। अब देखो मॉर्फिन में क्या है आपका, सिर्फ साइड में OH लगा हुआ है, जबकि कोडीन में क्या है OCH3 ग्रुप लगा हुआ होता है।
ठीक है ना, OCH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। क्लोरोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, जो आपकी क्लोरोक्वीन होती है एंटी मलेरियल ड्रग है, तो आपको बताना है कि कौन से क्लास की ड्रग होती है वह। क्या वो 4-अमीनोक्विनोलिन है, क्या वो 3-अमीनोक्विनोलिन है, क्या वो 2-अमीनोक्विनोलिन होती है, या फिर एसिडीन होती है। सो देखो, आप बात करते हो अगर क्लोरोक्वीन की, तो वो होती है आपकी, ये होती है बेसिकली आपकी 4-अमीनोक्विनोलिन। ये आपकी क्या है, क्विनोलिन रिंग होती है, ये होती है आपकी क्विनोलिन रिंग 1, 2, 3, 4। फोर्थ पोजीशन पर आपका यहां पे लगा हुआ होता है क्या, फोर्थ पर लगा हुआ है NH2, 4-अमीनो क्विनोलिन। सो ये आपका क्विनोलिन रिंग थी और फोर्थ पोजीशन पर लग गया है NH2 ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप। सो ये आपकी एक 4-अमीनो क्विनोलिन ड्रग होती है, जो कि फर्दर अब यहां पे सब्स्टिट्यूशंस और हो सकते हैं। NH2 आपका N होगा, लेकिन उसके बाद आपकी चेन लग जाएंगी वो अलग, ठीक है। जैसे ये देखो आपका N है, तो ये आपका 4-अमीनो क्विनोलिन तो हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको क्या हुआ, अदर चेन्स आपको मिल रही हैं। पेंसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स, जो पेंसिलिन होती है उसकी जब आप एल्कली हाइड्रोलिसिस कराते हो तब उससे क्या मिलता है, पेंसिलोइक एसिड मिलता है, पेनालिटिक एसिड मिलता है, पेंसिलिक एसिड मिलता है, या फिर पेनिसिलामीन बनता है। तो पेंसिलिन की जब आप क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्कलीन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, पेंसिलोइक एसिड बनता है, ठीक है ना। पेंसिलोइक एसिड बनता है, जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ये ब्रेक करती है, और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहां पे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। सो पेंसिलोइक एसिड यहाँ पे आपको बनता है, ये जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग का ये कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखिए क्या हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है आपका एसिड में, तो ये आपका पेंसिलोइक एसिड बनाता है। इन विच टाइप टाइट्रेशन प्योर मेटल्स आर यूज एज स्टैंडर्ड, प्योर मेटल आप स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं कौन से टाइप के टाइट्रेशंस में। लाइक आप बात करिए अगर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में यूज करते हैं इसको, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस के लिए यूज करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशंस के लिए यूज कर रहे होते हैं। सो आपको बताना है कि आपके प्योर मेटल टाइट्रेशंस के लिए, प्योर मेटल तो आपको कौन से यहाँ पे यूज करते हैं स्टैंडर्ड, तो देखो प्योर मेटल आप यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, या फिर जिसको आप बोलते हैं क्या, किलेट फॉर्मेशन जहाँ पे होते हैं। सो अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो वो आएंगे क्या, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, दैट आर ये लास्ट में जो है देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशंस, किलेट फॉर्मेशन टाइट्रेशंस, यही आपके आ जाएंगे, दैट इज डी ऑप्शन आपका क्या होगा, मेटल्स के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हो गए। सल्फा ड्रग्स आर टाइट्रेटेड विद विच टाइप ऑफ, बाय विच टाइप ऑफ टाइट्रेशंस, जो सल्फा ड्रग्स होती हैं, सल्फा ड्रग्स आप कौन से टाइप के टाइट्रेशंस से यहाँ पे आप उनको क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन से, रिडॉक्स टाइट्रेशन से, नॉन एक्वस टाइट्रेशन से, या फिर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से। सो जो सल्फा ड्रग्स होते हैं, सल्फा ड्रग्स का जो आप टाइट्रेशन कराते हैं वो होता है आपका डायजोटाइजेशन से। डायजोटाइजेशन आप टाइट्रेशन कराते हैं आप अपने सल्फा ड्रग्स के लिए। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायजोटाइजेशन आप यहाँ पे इसका कराते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसेंट्रेटेड HNO3 yields, जब आप गैलेक्टोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, म्यूसिक एसिड मिलता है, ग्लूकोरोनिक एसिड मिलता है, सैक्रिक एसिड मिलता है, या फिर आपका ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। सो गैलेक्टोज जब आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इस केस में आपको देखो भाई CHOOH, यहाँ पे आपका CH2OH। अब यहाँ आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये और ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मिलेगा क्या, एसिड में ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, सो आपको मिलेगा म्यूसिक एसिड। क्या होगा, म्यूसिक एसिड, ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर के म्यूसिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। सो आपका देखो क्या हुआ, दोनों ग्रुप आपके ऑक्सीडाइज हो चुके हैं कार्बोक्सिलिक में,
और म्यूसिक एसिड का फॉर्मेशन ये कर रहे होते हैं गैलेक्टोज जो होते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमीट्रिप्टलिन इज, जो एमीट्रिप्टलिन होती है उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल में आप इसमें क्या यूज करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलामिक एसिड होता है, यहाँ नेक्स्ट आपका क्या है देखो टेरिथैलिक एसिड होता है, टेरिथैलिक एसिड है, या फिर इसके बाद आप देखें क्या है थैलीमाइड होता है। तो क्या यूज करते हैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे एमीट्रिप्टलिन के सिंथेसिस के दौरान। सो देखो जो थैलिक एनहाइड्राइड है, इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम कराते हैं बीटा फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ में, फर्दर क्या होते हैं वेरियस स्टेप ऑफ रिएक्शन के बाद आपको एमीट्रिप्टलिन मिलता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप कराते हैं बीटा फिनाइल आपका एसिटिक एसिड के साथ में, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है दैट लुक्स लाइक एमीट्रिप्टलिन, ये आपका बनता है। सो देखो यहाँ पे क्या है थैलिक एसिड है और ये आपका अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पर क्या लगा हुआ होता है ऐसे फिनाइल ग्रुप, सो बीटा फिनाइल एसिटिक एसिड आप इसको बोलते हैं। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी एसेड बाई डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली, जो प्योरिटी ऑफ वाटर है, वाटर की प्योरिटी को आप डिटरमाइन करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू, पीएच के थ्रू आप मेजर करते हैं प्योरिटी को, रिफ्रैक्टिविटी से जानते हैं, विस्कोसिटी से जानते हैं, या फिर कंडक्टिविटी से जानते हैं। सो अगर आप बात करते हो वाटर की प्योरिटी के बारे में, तो अगर इसमें हम कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं और कंडक्टिविटी से हम क्या करते हैं वाटर की प्योरिटी को मेजर कर पाते हैं, उसको चेक कर पाते हैं, सो जो डी ऑप्शन है कंडक्टिविटी का, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाटर कंडक्टिविटी, देखो वाटर प्यूरिफाइड बाई टेक्निक सो दैट वाटर इज फ्री फ्रॉम कंडक्टिंग आयंस, अगर वहाँ आयंस नहीं है तो वो बेटर ही स्टेबलाइज्ड हुए ना, बेटर आपका क्या हुआ प्योर हुआ। सो ये आपका क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी टेस्ट से आप इसके बारे में जान पाते हैं। सो ये थे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।